जी हाँ दोस्तों, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के बीच खतरनाक मुकाबला। आप सभी को बता दें, जब ये दोनों टीमें आमने सामने होती है तो कहीं ना कहीं रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की ओर निगाहें रहती है, खासकर कप्तान कोहली पर, क्योंकि इनका बल्ला खूब चलता है। अगर आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं, आपको जो आंकड़े बताने वाले हैं जो पिछले साल दुबई के मैदान पर मुकाबले हुए थे दोनों टीमों के बीच, वो आपको हैरान कर देंगे। क्योंकि दोस्तों, इससे पहले जो IPL फेज वन था वो इंडिया के मैदानों पर हो रहा था, जहाँ बैंगलोर की टीम ने इस मुकाबले में जब आमने सामने थी राजस्थान रॉयल्स की टीम, तो वहाँ पर 177 रन बनाने थे, जिसमें देवदत्त पडिक्कल ने 101 रन की पारी खेलते हुए, कप्तान कोहली ने 72 रन की पारी खेलते हुए नाबाद 10 विकेट से वो मुकाबला जीत लिया था। लेकिन वो थी इंडिया के मैदानों की बात। लेकिन अगर बात करें UAE के मैदानों की, जब आमने सामने रही थी पिछले सीजन साल 2020 में ये दोनों टीमें, तो किसका पलड़ा भारी रहा था, आइए उस पर एक नजर डालते हैं। आज बता दें दोस्तों, आज मैच नंबर 43 राजस्थान रॉयल्स वर्सेज रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के बीच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम से आपको ठीक शाम को 7:30 बजे मुकाबला लाइव देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं पुराने रिकॉर्ड्स पर, ताकि ये पता चल जाए कि आज के मुकाबले में किसका बल्ला ज्यादा चल सकता है और किसको आपको ड्रीम 11 टीम में रखना चाहिए। तो दोस्तों, यहां पर ये मुकाबला था मैच नंबर 15, जहां पर पूरी तरीके से राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की टीम का दबदबा कायम रहा था। पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी राजस्थान रॉयल्स की टीम, और पिछले सीजन की बात करें तो राजस्थान रॉयल्स की टीम काफ़ी बदली हुई थी, क्योंकि उस टीम में जॉस बटलर, स्टीव स्मिथ, संजू सैमसन, रॉबिन थप्पा, महिपाल लोमरो, रियान पराग, राहुल तेवतिया, टॉम करन, श्रेष गोपाल, जोफ्रा आर्चर भी थे, जयदेव भुनाटकर और कप्तान थे दोस्तों स्टीव स्मिथ। ये थे यहाँ पर इनकी प्लेइंग 11, और RCB की पिछले साल तक प्लेइंग 11 थी। देवदत्त पडिक्कल, एरन फिंच, विराट कोहली, ABD विलियर्स, शिवम दुबे, गुरकीरत सिंह मान, वॉशिंगटन सुंदर, इसरो उड़ाना, नवदीप सैनी, एडम जांपा, युजवेंद्र चहल, ना ही दोस्तों मैक्सवेल थे, ना ही काइली जेविंसन थे। तो इसी प्लेइंग 11 के साथ दोनों टीमें खेली थी। शेख जियाद अबू धाबी का स्टेडियम था। राजस्थान रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था टॉस जीतकर। पहले बल्लेबाजी करने उतरी राजस्थान रॉयल्स की टीम की 3 विकेट 31 रन के अंदर गिर चुकी थी, जिसमें दोस्तों तीनों ही ओपनिंग बल्लेबाज जा चुके थे। 12 गेंदों में 22 रन जॉस बटलर ने बनाया, नवदीप सैनी ने उनका विकेट लिया था, 3 चौके 1 छक्का लगाया था, स्टीव स्मिथ 5 गेंदों में 5 ही रन बना पाए थे, इसरो उड़ाना ने उनका विकेट लिया था, सैमसन 3 गेंदों में 4 रन बना पाए थे, चहल ने उनका विकेट लिया, फिर रॉबिन उथप्पा आए बल्लेबाजी करने के लिए लोमरोर के साथ, 22 गेंदों में 17 रन उथप्पा ने बनाए, चहल ने इनका विकेट लिया, लोमरोर ने उस मैच में 8 रन बनाया था, 39 गेंदों में 47 रन बनाए थे 1 चौके 3 छक्के की मदद से, लेकिन चहल ने उस मैच में उनका भी विकेट लिया, रियान पराग ने 18 गेंदों में 16 रन बनाए, उड़ाना ने इनका विकेट लिया, राहुल तेवतिया और जोफ्रा आर्चर लास्ट में खड़े रह गए नाबाद। राहुल तेवतिया ने लास्ट में 3 छक्के लगाए थे, जिसकी बदौलत स्कोर 154 तक पहुंच पाया, वरना यह स्कोर 135 तक टिक जाता। 12 गेंदों में 24 रन उस मैच में राहुल तेवतिया ने लगाए थे 3 छक्के की मदद से। अब आपको बताया तो उस मैच में मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी थी UG चहल ने, 4 ओवर में 24 रन देते हुए 3 विकेट झटके थे, तो उड़ाना ने भी 2 विकेट और नवदीप सैनी ने भी 1 विकेट झटका था। इस मैच का दोस्तों कहीं ना कहीं मैच विनिंग पारी खेली थी पूरी तरीके से देवदत्त पडिक्कल और विराट कोहली ने, क्योंकि दोस्तों पिछले सीजन तक विराट कोहली ओपनिंग नहीं करते थे, वो आते थे नंबर 3 पर, देवदत्त पडिक्कल के साथ ओपनिंग करते थे एरन फिंच, जिनको इस सीजन निकाल दिया गया। लेकिन उस मैच में भी देवदत्त पडिक्कल का बल्ला शानदार चला था, और फेज वन में भी देवदत्त पडिक्कल ने 101 रन की पारी खेली थी राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ, 155 रन चेस कर रहे थे यहाँ RCB की टीम, 45 गेंदों में 63 रन बनाए थे देवदत्त पडिक्कल ने उस मैच में, 6 चौके 1 छक्के की मदद से, एरन फिंच का पहला विकेट बहुत जल्दी गिर गया था, 7 गेंदों में 8 रन बनाया था 2 चौके की मदद से, जब टीम का स्कोर 25 रन था तभी विकेट गया था। उसके बाद विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल के बीच 99 रन की पार्टनरशिप हुई, वो पार्टनरशिप 124 रन तक गई, जिसमें 53 गेंदों में 72 रन विराट कोहली ने 7 चौके 2 छक्के की मदद से मारे, ABD विलियर्स उनका साथ देने के लिए, जब देवदत्त पडिक्कल के विकेट जोफ्रा आर्चर ने ली, तो ABD विलियर्स ने 10 गेंदों में 12 रन बनाकर मैच को जिता दिया। बड़े ही शानदार तरीके से बैंगलोर ने 8 विकेट से मुकाबला जीत लिया था, 158 रन 2 विकेट के नुकसान पर पहुंच गई थी। तो मैच नंबर 15 2020 का जीत लिया था, लेकिन उसके बाद जब अगली बार ये दोनों टीमें आमने सामने भिड़ी, और वो था मैच नंबर 33 2020 का, दुबई के मैदानों पर इन दोनों टीमों का रिकॉर्ड काफ़ी अलग रहा है, जहां पर बैंगलोर हावी दिखी है। पिछले 5 मुकाबले अगर राजस्थान और बैंगलोर के उठा के देख ले जाएं, तो आप पाएंगे कि बैंगलोर की टीम 4 मुकाबले जीती है, बल्कि 1 ही मुकाबला जीत पाई है राजस्थान की टीम। तो बैंगलोर की टीम काफ़ी हावी हो जाती है जब सामने होती है राजस्थान रॉयल्स, लेकिन आज का जो मुकाबला होगा वो काफ़ी कांटे की टक्कर का हो सकता है। अब बात करें इस मैच नंबर 33 की साल 2020 में जो हुआ था, वहां पर भी दोस्तों प्लेइंग 11 में काफी कुछ बदलाव थे, क्योंकि बैन स्टोक अब राजस्थान रॉयल्स के साथ जुड़ चुके थे। बैन स्टोक, जॉस बटलर, स्टीव स्मिथ और जोफ्रा आर्चर, ये थे 4 विदेशी प्लेयर। तो कहीं ना कहीं ये चारों ही विदेशी प्लेयर अपने आप में ही बहुत बड़ी भूमिका रखते हैं, जो इस सीजन देखने को नहीं मिल रहे। राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 तो इतनी खतरनाक थी, कार्तिक त्यागी भी जुड़ चुके थे, लेकिन RCB की प्लेइंग 11 काफ़ी बदल रही थी। क्रिस मॉरिस इनके साथ थे, लेकिन क्रिस मॉरिस को बाद में जोड़ा गया।
बाद में काफी कुछ प्लेइंग 11 में चेंजेस भी किए गए, लेकिन एबीडी विलियर्स का तो बल्ला चल रहा था, लेकिन एरन फिंच का बल्ला काफी शांत था, तो ये दिक्कत वाली बात देखने को मिली। और मोइन अली को इन्होंने बेंच पर बिठा रखा था, तो आप सोच सकते हैं कि कितना भारी नुकसान हो रहा था आरसीबी की टीम को और कितना भटकती नजर आ रही थी। लेकिन उस मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पिछला मुकाबला याद भी नहीं था कि वो जीते थे हारे, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और ओपनिंग से रॉबिन उथप्पा ने 22 गेंदों में 41 रन जड़ दिए। 7 चौके 1 छक्के की मदद से चहल ने इनका विकेट लिया था। बेन स्टोक ने उस मैच में 19 गेंदों में 15 रन बनाए। क्रिस मॉरिस ने इनका विकेट लिया था, कैच पकड़ी थी डी विलियर्स ने। सैमसन फिर से यहां पर फेल रहे, 6 गेंदों में 9 रन बना पाए और चहल ने इनका विकेट लेकर इनको चलता कर दिया। स्टीव स्मिथ का बल्ले से उस दिन रनों का तूफान आया था। 36 गेंदों में 57 रन की पारी स्टीव स्मिथ ने खेली थी। 6 चौके 1 छक्के की मदद से क्रिस मॉरिस ने इनका विकेट लिया था। जॉस बटलर ने 25 गेंदों में 24 रन बनाया। 1 चौके 1 छक्के की मदद से क्रिस मॉरिस ने इनका भी विकेट लिया। राहुल तेवतिया ने 11 गेंदों में 19 रन बनाए 1 चौके 1 छक्के की मदद से। लास्ट में कहीं ना कहीं जोफ्रा आर्चर का आखिरी गेंद पर गिरता है विकेट, जो रन लेने के चक्कर में गिरता है। लेकिन उस मैच में दोस्तों 41 रन की पारी उथप्पा की और 57 रन की पारी स्टीव स्मिथ की, ये बदौलत ले गई राजस्थान का स्कोर 177 रन के पास। अब 170 रन यानी कि 177 चेस करने के लिए उतरी बैंगलोर की टीम से एक बार फिर से विराट कोहली का बल्ला चला, लेकिन उससे ज़्यादा बल्ला चला एबीडी विलियर्स का, क्योंकि उस मैदान पर आया था एबीडी विलियर्स का रनों का तूफान। 6 छक्के जड़ दिए थे उन्होंने। शुरुआत में देवदत्त पडिकल और एरन फिंच ओपनिंग करने के लिए उतरे, जिसमें 37 गेंदों में 35 रन देवदत्त पडिकल ने बनाए। बहुत खराब पारी खेल रहे थे क्योंकि स्ट्राइक रेट 94 का था। राहुल तेवतिया ने इनका विकेट लेकर इनको चलता किया। आरसीबी के फैंस ने सांस में सांस ली कि चलिए अब कोई अगला बल्लेबाज आएगा। एरन फिंच उस मैच में 11 गेंदों में 14 रन बना पाए थे। सुरेश गोपाल ने इनका विकेट लिया था, लेकिन अब आए थे विराट कोहली और एबीडी विलियर्स। इन दोनों के बीच दोस्तों अच्छी खासी पार्टनरशिप देखने को मिली, जहां पर हमने देखा कि 32 गेंदों में 43 रन बनाए थे विराट कोहली ने। 2 छक्के 1 चौके की मदद से कार्तिक त्यागी ने इनका विकेट लिया था। तो वहीं एबीडी विलियर्स लास्ट तक खड़े रहे थे नाबाद। 22 गेंदों में 55 रन बनाए थे 250 के स्ट्राइक रेट से। 1 चौका 6 छक्के लगाए थे एबीडी विलियर्स ने। गुरकिरत मानसिंह की बात करें तो 17 गेंदों में 19 रन बनाकर एबीडी विलियर्स का साथ उन्होंने दिया और मैच का कराया था अंत। मैच दोस्तों आखिरी ओवर तक गया था। आखिरी ओवर का रोमांच ना देखने को मिले तो ये हो ही नहीं सकता। तो आखिरी ओवर तक मैच गया था, जहां आपको बताएं 19वें ओवर तक 168 रन 3 विकेट के नुकसान पर थी, यानी कि यहां से अब भी करीब करीब 9 से 10 रन चाहिए थे फाइनल ओवर में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ओवर था कहीं ना कहीं राजस्थान के नज़रिए से, और उनको बहुत कुछ चाहिए था इस मैच में। पहली गेंद पर 2, फिर सिंगल, फिर 2, फिर उसके बाद छक्का लगाया एबीडी विलियर्स ने और मैच को किया था ख़त्म। तो इस तरीके से दोस्तों यहां पर एबीडी विलियर्स ने कमाल की पारी खेली थी और मैच को ले गए थे बिल्कुल अंत तक जीत की दहलीज पर। आज का मुकाबला जो मैच नंबर 43 होने वाला है रॉयल चैलेंजर बैंगलोर वर्सेज राजस्थान रॉयल्स के बीच, वो दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम से आप सभी को लाइव देखने को मिलेगा शाम 7:30 बजे स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर और हॉटस्टार ऐप पर। लेकिन पिछले मुकाबले में देवदत्त पडिकल का एक शतकीय पारी आया था, विराट कोहली का बल्ला भी राजस्थान के खिलाफ 40 प्लस एवरेज की यानी कि करीब करीब 60 की एवरेज हो जाती है जब जब इनके सामने राजस्थान रॉयल्स रही है पिछले 3 मुकाबलों में। तो आज के मुकाबले में भी देखना दिलचस्प होगा क्या विराट कोहली का बल्ला चलता है या किसका बल्ला, क्योंकि दोनों ही टीमों को 2-2 पॉइंट्स की यहां से बहुत ज्यादा जरूरत है। क्या लगता है दोस्तों आज का मैच कौन सी टीम जीत पाएगी, कॉमेंट्स करके जरूर बताएगा। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।